आपके साथ। सरकारी फंड का ऐसा दुरुपयोग, सूरज की रोशनी क्या कम पड़ती है इस परिसर में? दिन की दोपहरी में जलता है हाई वोल्टेज वेपर, कोई भी इसे देखने वाला नहीं। ये नज़ारा है सदर अस्पताल पूर्णिया का। अस्पताल प्रशासन है बेखबर, SDN न्यूज के कैमरे में हुआ कैद, देखते हैं ये खास खबर। आखिर सरकारी पैसे का इस तरह दुरुपयोग कब तक चलेगा? क्या सूरज की तपिश भरी रोशनी इस परिसर पर नहीं पड़ती है? क्या इसे देखने वाला कोई भी नहीं है जो दिन के दोपहरी में इस तरह हाई वोल्टेज वेपर लाइट जलता रहता है? क्या सदर अस्पताल प्रशासन की किसी भी जिम्मेदार नागरिक की नज़र इस पर नहीं पड़ती? ये कोई एक मामला नहीं, इस परिसर में आए दिन जलते वेपर का नज़ारा देखने को मिलता है। सरकारी बिल का भुगतान भी सदर अस्पताल ही करेगा, तो भला इनको क्यों फर्क पड़े? सदर अस्पताल प्रशासन इस पर बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं जब सदर अस्पताल के प्रांगण में इस तरह की लाइट चल रही है, वो भी उस जगह पर जहां हर एक मरीज की नजर पड़ती है। हर एक आने जाने वाला शख्स उस बोर्ड को जरूर देखता है जहां पर इमरजेंसी वार्ड सदर अस्पताल पूर्णिया लिखा है, और सदर अस्पताल के इस इमरजेंसी वार्ड के बोर्ड के ठीक ऊपर जल रहे वेपर लाइट का नज़ारा निश्चित रूप से सदर अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही को बयां करता है। की बात आपके साथ।